स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। राइट साइड पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उसके बीच में डिस्कस कर लेंगे ऑब्जर्वेशन में। पहले देख लेते हैं क्या किया, हुआ कैसे ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इन इज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रे अपॉन थिन गोल्ड फॉइल। अल्फा रे स्कैटरिंग हुई जिस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा रे को बम्बार्ड किया थिन गोल्ड फॉइल पे, यानी कि पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया, और अल्फा रे के लिए उसने लिया हीलियम एटम। ऑब्जर्वेशन क्या रही, पहली ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। स्ट्रेट ऊपर आप देख सकते हैं एक लाइन सीधी क्रॉस हो चुकी है, ये लाइन। इसी तरह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल निकल गए बिना किसी न्यूक्लियस को टच किए हुए स्ट्रेट लाइन में। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन दी लेकिन स्मॉल एंगल के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन मिल रही है नीचे। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड। हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो एटम के साथ, उसके न्यूक्लियस के साथ टकरा के उसी पाथ से वापस आया, बाउंस्ड बैक हुआ वो, यानी कि उसी पाथ को उसने दोबारा ट्रेस किया। तो ये थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस।